जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है और हम मौजूद है बीआईटी मिश्रा के लालपुर एक्सटेंशन वाले ब्रांच में और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें 15 जुलाई को जी हाँ फाउंडेशन डे है बीआईटी मिश्रा का, उसको लेकर कई अहम जानकारियाँ साझा की। लेकिन इसमें सबसे अहम जानकारियाँ हमने जीएन भारत ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि प्रोफेसर से कि जब यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग होता है तो उसमें टॉप 100 में भी इंडिया के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं वो जगह नहीं बना पाते हैं, अगर बैंगलोर के एक दो यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो। इस पर भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन की समस्या है, यानी बीआईटी से पढ़कर या आईआईटी से पढ़कर बाहर चले जाते हैं लोग। एग्जांपल के तौर पर सुंदर पिचाई को ही देख लीजिए, आईआईटी से पढ़कर वो आज यूएसए को अपना सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना होगा और बीआईटी मिश्रा को कैसे बेहतर बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास बनाया जाए ताकि वो टॉप 100 में आ पाए, ऐसे सवाल के जवाब दिए। आइए सुनते प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा प्रोफेसर से। हर 15 जुलाई को मनाया जाएगा बीआईटी मिश्रा में। बीआईटी 1955 में शुरू हुआ था, 15 जुलाई के दिन पहला बैच ज्वाइन किया था। उसी को याद करते हुए बीआईटी का जो यात्रा को जो यात्रा है इतने साल का 67 साल का यात्रा, इस बार 67 साल पूरा हो रहे हैं, तो इस यात्रा को याद करते हुए आगे और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए हम प्रण करेंगे और इसी तरह सबके साथ मिलके पूर्ववर्ती छात्र, वर्तमान छात्र, पूर्व पहले का अतीत के जो शिक्षक थे, उसके बाद जो अभी के शिक्षक हैं, सभी कर्मी वृंद हैं, सब मिल के उत्सव मनाएंगे। सबका ये मिलन सभा है, तो इसी उद्देश्य से ये स्थापना दिवस का उत्सव मनाया जाएगा और दो दिवसीय उत्सव 14 तारीख को एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, शाम का 5:30 बजे से शुरू होगा। उसके बाद 15 तारीख को एक स्थापना दिवस होगा, स्थापना दिवस का उद्घाटन होगा जिसमें राज्यपाल आएंगे। उसके बाद उसमें जो गणमान्य पूर्ववर्ती छात्र हैं वैसे 6 लोगों को हम पुरस्कृत करेंगे, उनका सम्मान देंगे, उनका दान को हम एक्नॉलेज करेंगे। उसी तरह 6 गणमान्य शिक्षक जो बीआईटी मिश्रा को बहुत कुछ प्रदान किए हैं, अपना ज्ञान से सबको सवारे हैं, वैसे 6 शिक्षकों को भी हम आदर अपना अभिव्यक्त करेंगे। उसके बाद एक फोटोग्राफिक एग्जीबिशन होगा, मतलब जितने भी बीआईटी 1955 से पुराने जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उसको प्रदर्शित किया जाएगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने भी शोध का जो विषय है उसका एक प्रदर्शनी किया जाएगा। उसके बाद फिर शाम के टाइम एक फिर कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम में कुछ कलाकार, पहले तो छऊ नाच होगा, उसके बाद छऊ नाच के बाद फिर तनुश्री बोल के एक बहुत ही उम्दा गायिका हैं, वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। उसके बाद कौशिकी चक्रवर्ती जो अपना जो संध्या अपना क्लासिकल शास्त्रीय संगीत पेश करेगी, हल्का शास्त्रीय संगीत पेश करेगी और ये कार्यक्रम 8:30-9 बजे तक चलेगा। तो इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मैं उत्पल बॉल, मैं डीन एलुमनी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं विभाग अध्यक्ष, पूर्ववर्ती छात्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैं पिछले 24 साल से बीआईटी में कार्यरत हूँ। नेचुरली कंपटीशन तो कर ही सकते हैं और हिंदुस्तान में, जैसे आपने पहले से ही कह दिया कि क्यूएस रैंकिंग में हमारे टॉप 100 में काफ़ी कम यूनिवर्सिटी आ सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, हमें उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रिसर्च, बेसिकली ये रिसर्च ज़्यादा होता है इसके अंदर में, और रिसर्च के साथ अलावा फंडिंग की जो बात होती है, तो अगर हम लोग इस दोनों मुद्दे पर काम करना शुरू करें और हमारे देश में पूरी की पूरी इसकी तरफ में जुड़ार है, वी कैन डू इट, ये ज़रूर हो सकता है। और बीआईटी इसके बहुत ही कंसर्न है, कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा पहला मकसद हमारा एनआईएस रैंकिंग सुधारना है और उसके बाद में नेचुरली जैसे वो सुधरेगा तो क्यूएस रैंकिंग में भी हम लोग अपना सुधार जरूर बना लेंगे। कहीं ना कहीं सवाल आता है कि
आईआईटी में भी एजुकेशन का जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो घटते जा रहा है, ऐसे सवाल क्या कहेंगे? नहीं, इस बात पर मैं सहमत तो नहीं हूँ। नहीं, क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वालिटी घट रहा है ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी बढ़ता है। लेकिन देश में हमारे जनसंख्या जो है हमारे यहाँ की नियंत्रण करने की बहुत ज़रूरी, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, अगर एक क्लास में 50 लोग पढ़ रहे हैं और एक क्लास में 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली 10 लोग को आप ज़्यादा कंसनट्रेट कर सकते हैं। तो हमारे देश में इस बारे में थोड़ा सा सोचना ज़रूरी होगा। और उसके अलावा हमारा देश का ही टैलेंट पूल देश से बाहर चला जाता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सुविधाओं के ऊपर में थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जो टैलेंट है उसको हमारे कंट्री में अगर रिटेन कर पाए, जैसे कि सुंदर पिचई आईआईटी चेन्नई के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन देश में सेवा न दे के बाहर को सेवा दे रहे हैं। रोहित प्रसाद बीआईटी मेचरा के स्टूडेंट हैं, देश में सेवा न दे के यूएस को सेवा दे रहे हैं। तो हमारा ही टैलेंट बाहर में जाके एक्सेल कर रहा है। तो इसके पीछे सरकार अगर कुछ पहल कर सके कि कैसे ये ब्रेन ड्रेन रोका जाए, कैसे ये देश में रोके जाए, तो नेचुरली ये देश में हर तरीके का पोटेंशियल है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि फाउंडेशन डे को लेकर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, एलुमनी आएंगे, रैंप ऑफ होगा, कई सारी चीज़ें होंगी। और जैसा हमने आपको दिखाया कि ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं समस्या है कि इंडिया में पढ़ लो, आईआईटी में पढ़ लो और जाके फिर जाकर सुविधा जो है वो बाहर दे दो। कहीं अगर ये कहीं ना कहीं रुकेगा तो इंडिया जो है वो डेवलप हो पाएगा। और जो ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बीआईटी मिश्रा जैसे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी टॉप 100 जो है एक्सीलेंस में अपना जगह बना पाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रेया अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।